रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम प्री नाइन क्लास फॉर लेसन नंबर 26 ऑफ जनरल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। दिस चैप्टर इज़ अबाउट एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 6.2 आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज सम प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स। सपोज इफ यू हैव ए पावर एन, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ए पावर एन? इट्स मीन ए इज मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ एन टाइम्स, मीन्स ए अपने आप से एन टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तभी हम ए को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ए पावर एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो हम लोगों ने यहाँ पे ए पावर एन लिखा है इसमें ए इज द बेस एंड एन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और द इंडेक्स। जिसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा होता है डैट इज द बेस, एंड पावर को ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं इंडेक्स भी कहते हैं। सो बाय डेफिनेशन ए पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू वन। किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर ज़ीरो हो जाती है इट्स मीन योर आंसर विल बी वन। सो टू पावर ज़ीरो वन, थ्री पावर ज़ीरो वन, 0.5 पावर ज़ीरो वन एंड सो ऑन। सो यू शुड नोट दैट ए पावर एन इज कॉल्ड एज nth पावर ऑफ ए। सो इन योर 7th क्लास यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। वहाँ पर आपने 3 तरह के लॉज स्टडी किए थे, पावर लॉ, प्रोडक्ट लॉज एंड कोशेंट लॉज। सो इन्हीं लॉज के यहाँ पे नेम चेंज कर दिए हैं जबकि लॉज वही सेम रह रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है लॉ ऑफ सम ऑफ पावर, ऐसा लॉ जिसमें पावर्स का सम किया जाता है। ऐसा कौन सा लॉ था जिसमें पावर्स का सम किया जाता था? गुड, प्रोडक्ट लॉ। व्हेन टू बेसिस आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर एंड देयर पावर्स आर डिफरेंट बट बेसिस आर सेम, सो यू शुड राइट द बेस ओनली वन टाइम एंड ऐड द पावर्स। अगर दो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके ऊपर डिफरेंट पावर्स हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं, बेस को एक दफ़ा ही राइट करेंगे। सिमिलरली ऐसा लॉ जिसमें पावर्स की सब्ट्रैक्शन हो रही हो वो कौन सा लॉ होता है? व्हेन टू सेम बेसिस आर डिवाइडेड बाई ईच अदर एंड उनके ऊपर दोनों के ऊपर पावर्स डिफरेंट है तो हम करते क्या है कि उस बेस को वन टाइम राइट करते हैं, उनकी पावर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट विच यू शुड कीप इट इन योर माइंड, ए पावर माइनस एन। अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम उस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, उस बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मीन्स ए के ऊपर है पावर माइनस एन, इट्स मीन ए का रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/a, अब पावर माइनस एन से एन हो जाएगी। एंड यू शुड थिंक अबाउट दैट व्हेन एन बिलोंग्स टू इंटीजर, एन इंटीजर से ही बिलोंग करना चाहिए एंड ए इज़ द रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे 1/0 ऑन द होल पावर समथिंग आ जाएगा और 1/0 का आंसर अनडिफाइंड होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ पावर्स ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा लॉ जिसमें हम लोगों के पास दो बेसिस हों और दोनों बेसिस के ऊपर सेम पावर हो। मीन्स ए के ऊपर पावर एन है, बी के ऊपर भी पावर एन है, तो इट्स मीन हम इसको लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी ऑन द होल पावर एन। या फिर इसी तरीके से अगर ए और बी डिवाइड हो रहे हैं उनके ऊपर ऑन द होल पावर एन लगी हुई, इट्स मीन ये पावर ए पे भी अप्लाई हो रही है और ये पावर बी के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। मीन्स ए पावर एन भी आ जाएगा आपके पास और बी पावर एन भी आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट लॉ इज लॉ नंबर 4, इफ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड एम एंड एन आर बिलोंग्स टू इंटीजर्स देन ए पावर एम ऑन द होल पावर एन। अब यहाँ पे आप देखें एम और एन के दरमियान कोई साइन है, इट्स मीन एम एंड एन आर मल्टीप्लाई विद ईच अदर, तो हम करेंगे क्या ए पावर एम मल्टीप्लाई एन। इसको हम पावर लॉ भी कहते हैं कि इसमें आपके पास जो बेस होती है उसको एज इट इज़ राइट करते हैं और अगर दो आपके पास टू डिफरेंट पावर्स हैं तो उन दोनों डिफरेंट पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। सो मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट यहाँ राइट नहीं है लेकिन आप अपनी बुक से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है यू शुड सेपरेट द बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं उनमें से आपने बेसिस और एक्सपोनेंट सेपरेट करने हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास है पार्ट वन में है 16x³
क्यूब टू पावर लगी हुई है, पावर 3 ये 16 के ऊपर नहीं लगी हुई, ये पावर सिर्फ x के ऊपर लगी हुई है। इट्स मीन योर बेस इज x, जिसके ऊपर पावर लगी होती है वो बेस होता है, और पावर को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। सो बेस इज x एंड एक्सपोनेंट इज 3। सिमिलरली पार्ट नंबर 4, x माइनस 2 ऑन द होल पावर 3, यहाँ पे ऑन द होल पावर 3 लगी हुई है। इट्स मीन ये जो पावर 3 है ये पूरी ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई हो रही है। सो दिस होल ब्रैकेट इज द बेस एंड योर एक्सपोनेंट इज 3। सिमिलरली नाउ पार्ट नंबर 6, 5x पावर 3/2 मल्टीप्लाई एक्स पावर 1/2। अगर यहाँ पे आप फोकस करें तो यहाँ पे हम लोगों को पहले यहाँ पे दो हमें एक्सपोनेंट नज़र आ रहे हैं और दो ही बेसिस नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम इसे कन्फाइंड कर सकें तो हम इसको दो बेसिस को एक सिंगल बेस बना सकते हैं। वाई? बिकॉज दीज बेसिस आर सेम, दोनों बेसिस सेम है और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी डिफरेंट पावर्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट लॉ इनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे और बेस को वन टाइम राइट कर सकते हैं। सो हम ऐड करते हैं 5x 3/2 प्लस 1/2, 3/2 में 1/2 ऐड करें। देखिए आप ऐसे यहाँ नज़र आ रहा है, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस के केस में हम डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 राइट कर देंगे। सो 3 प्लस 1 इज 4, सो 4/2, 4/2 की जब कटिंग होगी 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5x square। अब ये जो पावर 2 लगी हुई है, पावर 2 आपके पास x के ऊपर लगी हुई है, पावर 2 5 पे अप्लाई नहीं हो रही, ये पावर 2 ओनली एंड ओनली x पे अप्लाई हो रही है। दैट्स वाई x इज द बेस एंड एक्सपोनेंट इज 2। सो योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट। कुछ पार्ट्स आपको अभी क्लास में करवा दिए गए हैं, रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में कम्प्लीट करिएगा इसके। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।